अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के साथ कढ़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी काफ़ी ट्रेडिशनल और घरेलू है और आजकल तो इसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स में भी सर्व किया जाता है, बट रेस्टोरेंट में वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमें घर की बनाई हुई कढ़ी में मिलता है। तो इसे किस तरह बनाते हैं आए चले देखें। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम दाल ली थी, चने की दाल। उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और छन्नी से छान लिया है। पानी सारा ड्रेन हो चुका है। इसके बाद हम एक मिक्सी में इसे ग्राइंड करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें, बिल्कुल बारीक पेस्ट। ते वक्त इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर ड्राई हो तो आप हल्का सा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ी का मसाला तैयार कर रही हूँ। पर एक प्याज लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 12 से 15 कलियाँ लहसुन की लूँगी और उसे भी मैं ग्राइंडर में ऐड कर लूँगी। जो का हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ और उसमें मैंने दही डाला है। दही मैं यहाँ पर 250 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे अच्छी तरीके से 5 से 8 मिनट इसी तरह चम्मच हिलाते हुए मिक्स करने के बाद मैं इसमें दाल का जो पेस्ट है जो मैंने ग्राइंड किया था मिक्सी में वो ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर पूरी दाल ऐड नहीं की है क्योंकि हमें इसमें से ही पकोड़े के लिए दाल लेनी है, तो मैंने अपने पकोड़े के हिसाब से दाल को अलग कर लिया है और जितनी दाल मुझे कढ़ी के लिए चाहिए उसमें मैंने अपने दही में मिक्स कर दिया है। अच्छी तरीके से दाल को मिक्स करने के बाद हमारा जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ हम एक बर्तन ले लेना है जिसमें हम कढ़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच तेल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग तेल डाल सकते हैं। जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी और दोनों ही चीज़ों को हमें चटकने देना है। इसके बाद मैं लहसुन जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था उसे मैं ऐड कर दूंगी इसी ऑयल में और इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हिला दूँ। जब हमारी चीज़ें अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, मतलब इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए थोड़ा, तो हमें इसमें अनियन और जो हमने लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देना है और तुरंत जो है ढक्कन को बंद कर देना है ताकि उसके छींटे हम पर ना आए। उसे 3 मिनट तक इसी तरह बंद रखने के बाद हमें ढक्कन को फिर से खोलना है और एक बार चम्मच फिराना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो नीचे चिपक ना जाए और एक तरफ से पके और एक तरफ से कच्चे रहें। तो चम्मच हमें चलाना है बीच बीच में।
मिनट तक मसालों को पकाने के बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। और मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून हल्दी ऐड की है। हल्दी हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूंगी। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना आप कम भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर में ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 टीस्पून ही डालना है, बस खुशबू के लिए। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है। मसालों को हमें मीडियम फ्लेम में ही बनाना है, ताकि हमारे मसाले जो है नीचे से चिपके ना बिल्कुल भी। फिर हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जो है वो नीचे से चिपके ना, और मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक पकने के। जब हमारे मसालों का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हमें इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक पकाना है। दो से तीन मिनट तक मसालों को और पकाने के बाद हमने जो इसका पेस्ट तैयार किया था दही और दाल का, उसे हमने ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। अगर आपकी दाल ज़्यादा हो तो आप इसमें ज़्यादा डालें, और कम हो तो कम डालें। स्टार्टिंग में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि इसे पकने में काफ़ी देर लगती है और एंड में ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हमें इसे पतला ही रखना है और काफ़ी देर तक पकाना है इसे। मैं यहाँ पर पकोड़े का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पकोड़े में पुदीना ऐड किया है। पुदीना मैंने धुलकर रफली चॉप कर लिया था और उसे हमने ऐड कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को रफली चॉप करके ऐड करूँगी। आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए थे और उन्हें बारीक बारीक काट लिया था, उसे भी हमें इसी बैटर में ऐड कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर करी लीव्स ले रही हूँ। करी लीव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना फिर ना डालें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया। इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है, क्योंकि पकोड़ों में हरे धनिया का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद हम इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेना है। मैं यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप अपने पकोड़ों को बहुत ज़्यादा नरम बनाना चाहते हैं तो इसे जितनी अच्छी तरीके से मिलाना हो आप उतना अच्छा मिलाएं। लाइक 15 से 10 मिनट तक आप हाथों से इसी तरह फेंटते रहें। उसके बाद हमें इसे तेल में फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर रही हूँ।
इसी तरह हमें सारे पकोड़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। हमें पकोड़ों को स्टार्टिंग में ही बिल्कुल नहीं डालना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पकोड़े जो हैं वो फट जाएंगे और बिखर जाएंगे, तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक कढ़ी को पकाया था और कॉर्नर पे काफ़ी सारा ऑयल जो है आ चुका है ऊपर। इसका मतलब है कि हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। फिर आप एंड में बिल्कुल इसमें पकोड़े डालेंगे। मैं यहाँ पर सारे पकोड़े ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से इसे चम्मच से मिक्स कर देना है। पकोड़ों को डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। उसके बाद हमें इसका तड़का तैयार करना है। तो मैंने सबसे पहले तेल गरम कर लिया है और इसमें मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से बारीक काट लिया था और उसे मैंने तेल में डाल दिया है। इसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड, इसके बाद हम इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। फिर हम इसमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। हींग मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए हींग बहुत अच्छी होती है, तो आप भी ज़रूर डालें। फिर अच्छे तरीके से हमें तड़का तैयार कर लेना है। जब हमारा तड़का अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो हमें इसमें ऐड कर देना है। तड़का ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक ढक्कन को इसी तरह बंद रखना है ताकि तड़के की खुशबू अच्छी तरीके से कढ़ी में अब्सॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।